रिव्यू तो मिलता है, डेमो मिलता है, उसके साथ ऑफर मिल जाता है। मार्केट से 1500, 1000, 2000, 500 रुपए आपको कम मिलता है। और क्या चाहिए, हमारे चैनल की खूबी है कि उसकी कमी उसकी घटी, लेना चाहिए या बेकार है या फालतू है, सब बता देते हैं, पोल पट्टी खोल देते हैं। हाय गाइस, सब कैसे हैं? तो मैं आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ PSR E37361 लार्ज केस। हाय छोटू, हाय गुड़िया, कैसी हो? तो मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। दिस इज यमा ब्रांड, वन ऑफ द सुपर ब्रांड। इसको अगर मैं यूं बोलूँ, अगर एक बार इसका अनबॉक्स देख लेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या सरप्राइज है, इसमें E363 आता था, उसके बाद उसे इम्प्रूव करके अब लेकर आया है PSR एडवांस करके E373 लेकर आया। मैं एक बात बता देता हूँ, इंडियन सीरीज़ में लेकर आया है, लेकिन ये आई सीरीज़ नहीं है, लेकिन इंडियन रिदम सीरीज में मिलते हैं। और क्या चाहिए बताइए, इसे मैं सबसे पहले अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा क्लोजअप भी बताने जा रहा हूँ, थोड़ा फ्यूचर्स बताने जा रहा हूँ और प्ले करके दिखाऊँगा। उसके बाद हम मिलेंगे अनटोल्ड कंपैरिजन में, इसके साथ आएगा E463 के साथ और EX20 के साथ भी आएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस रिव्यू, आई सैनिटाइज माय हैंड, कोरोना हर जगह फैला पड़ा है बाहर, तो आपके पास एक ही चारा है कि सैनिटाइज करें, और बहुत अच्छी बात है। इस डिब्बी को खरीद करके मैं परेशान हो गया हूँ, दिस बॉट अ लॉट ऑफ टाइम आई परचेज, और मैं इरीटेट हो चुका हूँ, बोर हो चुका हूँ, थक चुका हूँ सैनिटाइज के, पर अब क्या करें, मजबूरी है। चो बिफोर स्टार्टिंग दिस, वेलकम टू द बिजी इंडिया, द कम्प्लीट बिजनेस चैनल, नॉट ओनली बिजनेस, द कम्प्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल एज लाइक यू। सो कुछ बॉक्स इस तरीके से दिखता है, कलरफुल है, छोटा है, प्यारा है, मतलब इसमें MRP तकरीबन आपको इसमें मिलती है 13,990 रुपये, यानी 14,000 ही रख लीजिए, ठीक है, यानी मार्केट में 14,000 तक का ये बिक जाता है। लेकिन मैं आपको ऑफर प्राइस दूंगा, और इसका दिखने में इस तरीके से, जैसे मैं बॉक्स ओपन करता हूँ, यहाँ तरीके से थर्माकोल पैक्स मिल जाता है, और उसके साथ इसके रेस्ट स्टैंड मिल जाता है, बुक स्टैंड मिल जाता है, ठीक है। एज यूजुअल यमा के सभी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आप नोटेशन स्टैंड्स भी से कह सकते हैं, मैनुअल मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन गाइड मिल जाता है। इसे भी मैं सोच लेता हूँ ओपन कर लूँ, क्या कहते हैं, ओपन कर लें, तो चलिए ओपन कर लेते हैं। बहुत देर से बैठा हुआ है छोटू, ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा ये मिड एज रेंज ग्रुप के लिए बहुत बढ़िया, दोनों मॉडल्स के लिए यूज़ होता है, 370 के लिए भी और 373, एक मैनुअल दे दिया, चाहे आप दोनों कीबोर्ड खरीदें, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन गाइड मिल जाता है। वैसे ये छोटे एज ग्रुप के लिए बहुत प्यारा है, मैं वैसे बताऊंगा अभी, इसको मैं कर देता हूँ एक तरफ और हम इसको देखते हैं मेन यूनिट। थर्माकोल पीस मैं हटा लेता हूँ, दोनों तरफ इस तरीके से बड़ा थर्माकोल होता है, इसमें थोड़ा इस तरीके से दो पीस में दे दिया थर्माकोल, इसे एक तरफ मैं रख देता हूँ, दूर कर देता हूँ। उसके बाद एज यूजुअल आपको इस साइड में सास आपको मिलता है एक छोटा सा गत्ते, गत्ते के बीच में एक छोटा सा पैकिंग अडाप्टर का, अडाप्टर को भी हम खोल के देखते हैं कैसा है, ठीक है, फॉर्म पैक में मिल जाता है एज यूजुअल जितने भी यमा के हैं। वाओ, ये है मेरे पास E73 PSR, मैं इसे अब एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। अडाप्टर है ये, तकरीबन 2.5 मीटर, 2 मीटर के आसपास का वायर है, काफ़ी लंबा भी नहीं है, काफ़ी छोटा। तो इसमें मॉडल नंबर है PA130B, 12 वॉट है और 0.7 एम्प्स का है, ठीक है, ये इसका अडाप्टर है, ठीक ठाक है, मतलब हेवी अडाप्टर कह सकता हूँ मैं से। इसका क्लोजअप व्यू इस तरीके से दिखता है, चारकोल ब्लैक काले रंग का है और लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुक वाइज में जो ब्लैक कलर में एक वाइट कलर का टाइटल्स है, वाइट कलर का बटन्स है, काफ़ी अट्रैक्ट करता है। कुछ मैं क्लोजअप व्यू और बटन से इंट्रोडक्शन कर देता हूँ,
सबसे पहले यहाँ पर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, दिस इज द ऑन ऑफ बटन। ये वॉल्यूम कंट्रोल है और डेमो बटन है, मेट्रोनोम बटन है, टेम्पो टैप बटन है, लेफ्ट राइट करके बटन दिया गया रिकॉर्डिंग ट्रैक। और यहाँ पर मिलता है एकोम्प ऑन ऑफ बटन, इंट्रो एंडिंग बटन मिल जाता है, मेन ऑटो फिल बटन मिल जाता है, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग या क्लियर बटन, ठीक है। और बीच में आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पर ये कीज मिलते हैं, कीज टू सक्सेस, पैराज रिपीट, लिस्टिंग, टाइमिंग, वेटिंग एंड कॉर्डिशनरी करके। तीन बटन थोड़े से नए इस मॉडल में इंट्रोडक्शन किया गया, वॉइस बटन है, सॉन्ग बटन है, स्टाइल बटन है एज यूजुअल, पोर्टेबल ग्रैंड पियानो इस तरीके से दिया गया, सिंगल बटन, डीएसपी बटन दिया गया है, ये नया है, आर्टिकुलेशन और मॉड्यूलेशन बटन, ये भी इसी में ही इंट्रोडक्शन किया गया, नया बटन है, बहुत प्यारा है ये ऑप्शन। ऊपर न्यूमेरिक पैड मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मेमोरी मिल जाता है, सिंगल बटन दिया गया है, इसी से यूज़ करना है आपको। यहाँ पर मिलता है म्यूजिक डेटाबेस करके बटन है, ड्यूल बटन मिल जाता है, वाव, और स्पीड बटन मिल जाता है, आरपीजीओ बटन मिल जाता है, साथ साथ हारमोनियम का शॉर्ट की मिल जाता है, फंक्शन बटन मिल जाता है, और सेंटर में यमा की ब्रांडिंग मिल जाती है और पीएसआर E373 करके मॉडल नंबर मिल जाता है, ठीक है। किस क्वालिटी लगभग ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, लगभग जितने भी i500 i463 की बोर्ड्स होते हैं उस तरह का कीज दिखने में तो वैसा है, लगभग उसकी कैटेगरी का ही है। थोड़ा सा बैक पैनल हम देखते हैं पीछे से कैसा लगता है, अगर पीछे देखते हैं तो यहाँ पर हमें बैटरी, ये रहा बैटरी लगाने के 1 2 3 4 5 6 बैटरी आप लगा के कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं, पिकनिक में, प्रैक्टिस स्किल्स के लिए, ठीक है। बैटरी में काफ़ी अच्छा चलेगा क्योंकि छोटा सा प्यारा सा कीबोर्ड है, सेंटर स्टैंड ऑप्शंस है, सीरियल नंबर्स और कुछ डिटेल मिल जाते हैं, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप मिल जाता है, और ये प्लास्टिक का बॉडी है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक यमा का डंप सील मिल जाता है, यानी यहाँ पे मतलब छापा हुआ है, यहाँ पे टाइटल पेंटेड टाइटल नहीं है ये, मतलब इसे मतलब छाप दिया है, मोहर लगा दिया गया है यमा का, ये अच्छा लग रहा है। और बाकी कुछ कनेक्टिविटी देख लेते हैं, यहाँ पर मिल जाता है पावर, 12 वाट का जो पावर अडाप्टर का जो कनेक्टर है वो यहाँ कनेक्ट हो जाता है, यूएसबी होस्टिंग स्टूडियो के लिए, और एक्स इन दिया गया है, मोबाइल से गाना जैसे करोगी करना चाहते हैं एक्स इन है ये, और उसके बाद आपको दिया गया फ़ोन हेडफोन आउटपुट या ऐसे एम्पलीफायर के लिए मिक्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद साथ साथ मिला गया सस्टेन पैडल, आप आराम से लगा सकते हैं सस्टेन पैडल लगा के आप इफेक्ट, यानी काफ़ी ध्यान रखा गया है, प्रोफेशनल कीबोर्ड भी कह सकते हैं इसे, और मिड रेंज एंट्री लेवल बिगिनर कीबोर्ड भी कह सकते हैं। इसका व्यू लगभग इस तरीके से दिखता है, क्वालिटी सब ठीक लगा मुझे, पिच बैंड नहीं है, ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक तो कह नहीं सकता, लेकिन इस रेट में तो यमा दे भी नहीं सकता बेचारा, क्या करेगा, पिच बैंड दे देगा तो बाकी मॉडल कौन लेगा। तो पहले पियानो का झलक देखते हैं, पियानो का पीस लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट रिव्यू और फर्स्ट प्रीव्यू, इस तरीके से क्रिस्पी स्क्रीन ऑन होता है इसका, कमी बजट मतलब कम बजट में, इतना कम बजट है, इंडियन सीरीज करके बेचता नहीं है वैसे, लेकिन इंडियन टोन्स और रिदम्स मिलते हैं, पता नहीं यूट्यूब में किसी भी नहीं बताया कि इसके अंदर इंडियंस मिलता है, तो मैं आप लेकर आया हूँ, इसमें 14 इंडियन वॉइस और 11 इंडियन स्टाइल्स मिलता है, इंडियन की गलती थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्षमा चाहता हूँ, और इंडियन स्टाइल्स मिल जाता है, और चाहिए क्या बताओ, वाओ ये है असली कीबोर्ड, चर्च के लिए मैं सोचता हूँ काफ़ी है, प्रोग्राम्स के लिए, छोटे मोटे जागरण के लिए, जगराता के लिए, नुक्कड़ प्रोग्राम्स के लिए। सो चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, आई लिंक को फॉलो कर लें, वी हैव पुट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गैजेट हमारे चैनल में, ये नहीं कि रिव्यू दे दिया डेमो दे दिया, हमारे चैनल की खूबी है कि उसकी कमी उसकी घटी, लेना चाहिए या बेकार है या फालतू है सब बता देते हैं, पोल पट्टी खोल देते हैं, इसीलिए हमारे चैनल में सबसे वन ऑफ द बेस्ट चैनल इन द इंडिया बीज इंडिया चैनल है, फॉर लास्ट एक साल से क्षमा चाहता हूँ 6 महीने से, वी हैव ए सो मेनी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम आवर्स, के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना प्यार दे रहे हैं हमारे सभी दोस्त जनों के लिए, मित्र जनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक मेगा ऑफर हमारे चैनल में मिलता है हर किस डिवाइस के साथ, हर गैजेट्स के साथ, रिव्यू तो मिलता है डेमो मिलता है उसके साथ ऑफर मिल जाता है, मार्केट से 1500 रुपए आपको कम मिलता है, और क्या चाहिए, कई बार मैं बता चुका हूँ हम होलसेलर हैं और कम मार्जिन में हम अपना सामान निकालते हैं, और मैं यमा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। चलिए शुरू करते हैं, छोटा मोट हम लेकर देखते हैं कि कैसा लगता है,
सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ, यामा का ब्रांडिंग आ जाता है और बहुत ही प्यारा व्हाइट एंड क्रिस्पी स्क्रीन मिल जाता है जो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। हालांकि जो पहला E363 आता था उसका ऑरेंज स्क्रीन था। पियानो देखता हूँ, वाओ, बहुत प्यारा है, ग्रैंड पियानो, मतलब काफी अच्छा फीलिंग मिल रहा है, मतलब रिच और प्रोफेशनल। ये देखिए, छोटा सा कीबोर्ड है, सस्ता कीबोर्ड है, मात्र सिर्फ 5 किलो, ओनली 5 किलोग्राम्स, आपके लिए, छोटू के लिए और गुड़िया के लिए काफी बहुत बेहतरीन कीबोर्ड है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तकरीबन आप 6 उम्र से लेकर 10 उम्र या 10 उम्र तक बिल्कुल बेस्ट है, और 15 साल तक के जितने भी कैंडिडेट हैं, जो यूज़र्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर सर्चिंग एंट्री लेवल कीबोर्ड, बिगिनर्स कीबोर्ड, और नंबर वन कीबोर्ड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यानी यामा लेकर आया। 10 में से 10 मार्क में से दूंगा। मार्केट में E373 कीमत है 13,990 रुपये, यानी 14,000 बजाओ अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगा, 13,600 तक मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास का ऑफर प्राइस है 12,500 रुपये का। ठीक है, इसके साथ साथ एक ऑफ़र भी है, बहुत से ऑफर्स हैं, थोड़ा पीस ले लेते हैं पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कॉर्ड्स, देखते हैं कैसा है। वाओ, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सस्टेन में अभी ऑन करता हूं, डीप रिव्यू में सब कुछ आपको सिखाऊंगा, सस्टेन कैसे एक्टिव करते हैं। अब देखिए सस्टेन ऑफ है, अब मैं सस्टेन ऑन कर रहा हूं, गुब्बारे में बहुत प्यारा कीज, मुझे एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कीज, मतलब सॉफ्ट तो है, स्मूथ है, लेकिन i500 i E463 वाला हायर मॉडल वाला कीज नहीं है ये। इस कीज से उसका कीज काफ़ी अच्छा है, मतलब i500 का, मैं इसको कमी नहीं बता रहा, लेकिन वो की नहीं है। कीज टच रिस्पॉन्स बहुत प्यारा है, ये देखिए दोबारा इस उंगली को मैं यूज़ करता हूँ, बहुत प्यारा है। वैसे तो तमिल डबिंग है, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर तमिल सुनाई दे तो। बीट लेकर देखता हूँ, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। मन कर रहा है मैं लगातार बजाता जाऊं, मार्केट में 14,000 का बिक रहा है, मेरे पास 12,500 रुपये का मैं दे रहा हूं, ऑफर प्राइस है। वॉइस इसमें मिल जाते हैं आपको 622 और 14 इंडियन वॉइस और 205 स्टाइल्स टोटल, उसमें 11 इंडियन, 622 वॉइस में 14 इंडियन वॉइस मिल जाते हैं इस कीबोर्ड में, और 205 वॉइस में 11 इंडियन स्टाइल्स मिल जाते हैं। E363 करके एक मॉडल था, मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें इंडियन टोन्स नहीं मिलता, उसे ना लें, अगर आपको कहीं मिलता है तो ना लें,
कोई शॉपकीपर से बेचना चाहता है उसे ना ले, क्योंकि इंडियन टोन नहीं मिलता और काफ़ी अच्छा ही है, थोड़ा एडवांस है। मैं इसे थोड़ा इम्प्रूव करके बताता हूँ। जब एसएक्स सीरीज लेकर आया था यामा अभी थोड़ी कुछ साल पहले, जब मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी महंगा कीबोर्ड, अच्छा कीबोर्ड है, बढ़िया कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड के साथ साथ इसे लेकर आए थे, इसीलिए उसके अंदर का जो वेस्टर्न रिम्स है इसमें भी मिल जाता है, उसके टोन्स भी इसके अंदर हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल कह सकते हैं, हालांकि सबसे लोअर मॉडल है, ठीक है, इससे लोअर भी एक है E273, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी ऑप्शंस है इसमें। हारमोनियम की आवाज़ काफ़ी अच्छी मिल रही है, इंडियन टोन्स हैं, तानपुरा, सितार, इस तरीके से काफ़ी कलर हैं। डीप्रियो में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके साथ साथ थोड़ा सा रिदम भी हम लेकर देखते हैं कि कैसा लगता है। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। बहुत प्यारा लगा और मैं क्या बताऊँ इसकी, कितनी तारीफ करूँ उतना कम लग रहा है मुझे। डीप रिव्यू बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसमें असली बात मैं इसकी बताता हूँ जो भी है, ठीक है। तो दो वेरिएशन मिल जाता है, इंडियन कलेक्शन अच्छा करता, मतलब पेन ड्राइव इसमें नहीं लगा सकते, ट्रैक कंट्रोल ऑप्शन इसमें नहीं, यामा के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रैक कंट्रोल या रिदम कंट्रोल या बैंड कंट्रोल, वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया, यामा वालों ने नहीं कम कर दिया उसको। और एक्सटर्नल फाइल्स अगर इसमें काम करता है, अगर आप पूछे थे पेन ड्राइव अगर इसमें लगा सकते हैं, अगर आप सवाल करते हैं तो उसका जवाब एक ही है, डीप रिव्यू में बताऊंगा कि पेन ड्राइव इसमें काम करेगा या, मतलब पेन ड्राइव तो लगा नहीं सकते लेकिन एक्सटर्नल फाइल्स, लेकिन इस कॉस्ट में सबसे बढ़िया है ये ऑप्शन। यहाँ पर एक कपड़े का, मतलब एक जाली वाला कपड़ा दिया गया है, मतलब ये मतलब मेटल जाली नहीं है, लेकिन सभी कीबोर्ड मेटल जाली देता है यामा, लेकिन यहाँ पर कपड़े वाला, जैसे ज़्यादा मिट्टी विट्टी उड़ती है तो मिट्टी को ये एब्जॉर्व कर लेगा ये कपड़ा, इससे क्या है कि मिट्टी इसमें दिखने लग जाएगा या थोड़ा सा वाइट दिखने लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ये मुझे कमी लगी, लेकिन इसमें मेटल बॉडी देते तो काफ़ी अच्छा लगता। पता नहीं इन्होंने कपड़े वाला इसमें क्यों दे दिया, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है ये। एक चीज़ मैं बताऊँगा, बताना ज़रूरी है, यामा ने बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग लगा के, मतलब मैं इसको कैसे शब्द का प्रयोग करूँ, इसलिए मैं बता चुका छः साल मैं कभी भी नहीं बताता कीबोर्ड के लिए, लेकिन पहली बार मैंने बताया कि 6 साल के बच्चों के लिए भी आप इस कीबोर्ड को दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यूज़र फ्रेंडली है, छोटा सा बच्चा भी इसे आराम से ईजिली ऑपरेट कर सकता है। ये बटन किस लिए है, ये बटन बिल्कुल ही मतलब ईजी है, किसी कीबोर्ड में यहाँ दबाओ वहाँ दबाओ, ये बहुत सिंपल बटन है, मतलब कोई बच्चे को पकड़ा दो आराम से वो क्लास करके आ जाएगा, सीख कर आ जाएगा। डिटेल्ड हम जानेंगे डीप रिव्यू में, और सारे इंडियन सारे कलेक्शन, बहुत सारा स्टॉक्स भरा पड़ा है और हर जगह जा रहा है, सभी जगह बंद पड़ा हुआ, लेकिन कोरियर बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से, लेकिन कोरियर में थोड़ी सी दिक्कत आजकल ये कि थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा महंगा चल रहा है आजकल, मतलब कोरियर की सर्विस मतलब थोड़ा सा बदल चुका है, यानी पूरा लॉकडाउन है ना, या तो काम करने वाले भी नहीं है और कोरियर चार्जेस महंगा है, तो इसलिए स्टॉक्स मेरे पास भरे पड़े हैं। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, बैग स्टैंड और कीबोर्ड आप हर जगह इंडिया में कहीं भी हो आपको मिल जाएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू, डीटीसी कोरियर्स के थ्रू, प्रोफेशनल के थ्रू। मैं कई बार बता चुका हूँ मैं यामा का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और काफ़ी कम मार्जिन में हम सामान बेचते हैं, यहाँ तक कि अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, बजाओ में कई जगह हम सप्लाई करते हैं, लेकिन वो लोग अपना चार्ज लगाते हैं। यू कैन पे थ्रू गूगल पे, फोन पे, सेम नंबर है 9500800773। जैसे कोई भी सामान का पेमेंट करते हैं तो आपको 1 घंटे के अंदर आपको चलान मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। अदरवाइज आप वेबसाइट से खरीदना चाहते हैं तो पे यू नो बीज इंडिया जेम्स वेबसाइट में जाकर खरीद सकते हैं। आप अपना क्रेडिट कार्ड, पेटीएम कार्ड, मोबिक, जितने भी है, जो भी है आपके पास है कार्ड ऑप्शंस, आप वहां जाकर स्वाइप कर सकते हैं। एक ऑप्शन और मैं बताता हूं, कैश ऑन डिलीवरी फिलहाल तो बीज इंडिया डील नहीं करता और आजकल लॉकडाउन के वजह से बंद हो रखा है, लेकिन एक ऑप्शन और भी है, अगर आप तमिलनाडु में इस टाइम हैं,
या भोपाल में हैं या पटियाला में हैं या बेंगलोर में हैं, तो हमारे शोरूम्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक तो दुकान बंद पड़े हैं। आप शॉप्स में आकर देख सकते हैं, जैसे तमिलनाडु में है, पांडिचेरी के आसपास, वहाँ से वहाँ पर आ सकते हैं, भोपाल में है, ठीक है, अगर आसपास हैं तो आप हमारे शॉप में आकर सकते हैं, आप बुक करके आ सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप अगर कंफर्म लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, शॉप आकर आप देख सकते हैं। शॉप के अंदर काफ़ी सामान भरा पड़ा, लेकिन शॉप भी बंद पड़ा है, क्या करें, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग सब बढ़िया चल रहे हैं। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आप घर में अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए, कहीं में नहीं जाइए, किसी भीड़ में मत जाइए, हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, ठीक है, मास्क जरूर यूज़ कीजिए आप। मतलब इसको मतलब इजी ना ले कि भाई मुझे तो कुछ नहीं होगा कोरोना से, आप ध्यान रखेंगे तो आप ख्याल रखें तब जाकर बच पाएंगे। एक और नए अनबॉक्सिंग के साथ, अनटोल्ड कंपैरिजन के साथ, डीप रिव्यू के साथ, आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ सुनता हूँ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, गुड बाय।